एवरीवन नमस्कार, मैं जागृति अटलकर, जागृति डेवलपर एंड मार्केटिंग से। गाइस, आज जो मेरा रियल एस्टेट का टॉपिक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट में अभी नए काम सीख रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस है और काफ़ी लगन से अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो उनको जानकारी होना बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से मेरे को एक टॉपिक जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा कि मुझे ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, ताकि इनको कोई भी, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनका लोगों को आंसर देने में प्रॉब्लम ना हो। अवैध प्लॉटिंग से रिलेटेड ये हमारी वीडियोस है कि काफ़ी लोग जो मार्केट में हैं वो कई लोगों को डीमोटिवेट करते हैं कि अवैध प्लॉटिंग्स में काम नहीं करना चाहिए। जहाँ नॉन डाइवर्शन का नाम आता है वहाँ पे डायरेक्ट ये बात हो जाती है कि वो अवैध में आता है, उसमें काम नहीं करना चाहिए, आगे चल के दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि अवैध प्लॉटिंग्स होती क्या है। अवैध प्लॉटिंग्स वो होती है गाइस, जो हम गवर्नमेंट की ज़मीन को, अगर मान लो सपोज़ कोई मार्केट में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहा है, उसको सेल आउट कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से अवैध प्लॉटिंग्स है, जो कि आगे चल के आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती है, रजिस्ट्री की, नामांतरण की और स्टाम्प भी नहीं देती है। तो ये अवैध कहलाता है, जो कि आगे चल के आपको बहुत दिक्कत हो सकती है और बहुत से लीगल चीज़ों से आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये अवैध में आता है। और जैसे नॉन डाइवर्शन का जो हम कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्री परमिशन दे रही है, आपको स्टाम्प दे रही है, डाइवर्शन की परमिशन दे रही है, नामांतरण की परमिशन दे रही है, तो वो अवैध नहीं कहलाता है। वह जमीन अविकसित कहलाती है, जो कि आगे चल के वह जमीन विकसित हो सकती है। तो ये जो काम हम करते हैं नॉन डाइवर्शन में, ये उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि एक मिडिल क्लासेस की फैमिली है, जो एक चाय ठेले वाले भैया लोग हो गए, सब्जी फल वाले हो गए हैं, ये भी चाहते हैं कि आगे चल के हमारा एक सपना है कि हमारे भी एक प्रॉपर्टी हो, हम भी प्लॉट परचेस करना चाहते हैं, हम भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। तो इनके लिए हम ये ज़मीन लेकर के आते हैं कम रेट में, जो कि इनको, उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। एक आपको वहाँ पर WBM की रोड दे दीजिए, नाली दे दीजिए और रोड काट के दे दीजिए, सो उतने में ही उनको संतुष्टि मिल जाती है। नहीं चाहिए उनको जिम, नहीं चाहिए उनको CC रोड, नहीं चाहिए उनको गार्डन, वो उतने में ही बहुत खुश रहते हैं, है ना। तो ये जो नॉन डाइवर्शन हम प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, ये इन्हीं के लिए लेकर के आते हैं, जो कि इनका भी एक सपना जो है वो पूरा हो जाए। सो ये बिल्कुल भी अवैध में नहीं आता है। ये जमीन को हम अविकसित कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट आगे चल के हमको परमिशन देती है डाइवर्शन की, नामांतरण की, और डाइवर्शन होने के बाद आप वहाँ पर मकान भी बना सकते हैं, है ना। तो गाइस, मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा पाई होंगी कि अवैध प्लॉटिंग्स में, और ये जो नॉन डाइवर्शन वाले चिल्लाते हैं कि ये अवैध है, सो अब आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियोस में। जो लोग कहते हैं कि नॉन डाइवर्शन में काम नहीं करना चाहिए, ये अवैध कहलाता है। और वैध प्रॉपर्टी भी क्या होती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। जो TNC प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम उनको जिम, आपका गार्डन हो गया, CC रोड हो गया है, कबट कैंपर्स हो गया है, ये सारी फैसिलिटीज जो कि एक कबट कैंपर्स में होती है, जिसे हम रेरा अप्रूव कहा जाता है, TNC से टाइप होता है, हम उसको वैध प्लॉटिंग कहते हैं। और गाइस, ये आगे चल के मैं शासन से जरूर ऑब्जेक्शन उठाऊंगी कि क्या एक मिडिल क्लासेस की जो फैमिली है, जो कि उनका बजट उतना नहीं होता है, तो क्या उनको TNC के प्रोजेक्ट 300-350 रुपये में, 250 रुपये में क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, सो मुझे बहुत खुशी होगी और इस चीज़ को मैं ज़रूर अपनी बातों को आगे शासन से ज़रूर बोलूँगी। सो बिल्कुल भी किसी को डीमोटिवेट करने का अधिकार नहीं बनता है। अगर आपको जानकारी नहीं है कि अवैध प्लॉटिंग्स क्या होती है, तो बिल्कुल किसी को ना बताए कि अवैध और वैध में क्या डिफरेंस होता है। सो किसी को डीमोटिवेट ना कीजिए।
उम्मीद करूंगी मेरी ये छोटी सी वीडियोस में आपको मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी और अच्छी लगी होगी मेरी वीडियोस, तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस अपलोड कर पाऊंगी। धन्यवाद गाइस।